जी 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 क्या हुआ था? ऐसे कोई भी मुस्लिम में ऐसे कोई नहीं बोले, मोदी जी या कोई भी योगी जी है ना, कोई VIP जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मोदी जी होते तो ऐसे नहीं जाते। नहीं, ये तो कोई जज वज है शायद, निकाल दिए। चलो भाई, मेरे सोचा कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा तुम्हारा वेट। नहीं, ट्रैफिक था। हाँ, ट्रैफिक भी था। चलो, कौन से अभिनेता हैं, कौन है, क्या नहीं है, ये देखो भाई, पब्लिक बहुत हो रही है। ये देखिए भाई, कौन आया भैया, कौन है? अच्छा, न्यूज वाले हैं ये भाई साहब, न्यूज वाले हैं, और बहस हो रही है बढ़िया वाली इनमें। एक बार हेलो एवरीवन, स्वागत है एक न्यू ब्लॉग पे। दोस्तों, सुबह के बज रहे 7 और हम निकल रहे हैं काम पर। आज है मंगलवार, तो जमुना बाजार की सवारी मिल जाएगी, तो बाबा के दर्शन भी कर लेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, 3 दिन से कोई ब्लॉग नहीं आया मेरा, तो आज का ब्लॉग पूरा शूट करूंगा, क्योंकि यूट्यूब कहता है बॉस टाइम कहाँ से बढ़ेगा आपका, इसीलिए हम लोग आज पूरा ब्लॉग शूट करेंगे। अभी मैंने ड्यूटी ऑन कर लिया और पार्किंग में खड़ा हूँ मैं इस समय अपनी, तो यहीं से मैंने ब्लॉग चालू किया है। और ब्लॉग में जो है ना, आज कुछ ऐसा दिखाऊंगा, क्योंकि राखी आने वाली है, त्यौहार आने वाले हैं, तो मार्केट दिखाऊंगा सारी आपको। आज दिल्ली की जितनी सदर बाजार है, मिठाई पुल है, या कौड़िया पुल है, या सदर बाजार है, या कोई सी भी मार्केट है जहाँ से आप लोग सस्ता सस्ता सामान खरीद सकते हो, अगर मेरा चक्कर वहाँ पे लगेगा ना, तो आपको 100% दिखाऊंगा। और नहीं भी लगेगा तब भी वहाँ पे जाके मैं दिखाऊंगा कि भाई आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, और यहाँ पे आने के बाद मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो मैं आपको बस अड्डे से, कश्मीरी गेट से, या पुरानी दिल्ली स्टेशन से, नई दिल्ली स्टेशन से, मैं आपको सदर बाजार छोड़ सकता हूँ। ऑटो है मेरे पास, मैं तो ऑटो चलाता हूँ भाई, तो ऑटो से छोड़ सकता हूँ, इतना ही कर सकता हूँ, और बता सकता हूँ कि भाई ये सामान तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। कमेंट कर दिया करो, और जो भी भाई को एक कमेंट करेगा ना वीडियो पे, शायद उसके लिए फ्री, यानी कि कोई पैसा नहीं लूँगा, मतलब मार्केट के लिए, नई दिल्ली हो, पुरानी दिल्ली हो, चाहे कश्मीरी गेट हो, चाहे कहीं भी हो, अगर एक भाई कमेंट करके आता है ना, तो भाई उसको मैं फ्री छोड़ूंगा, समझ रहे हो, मेरे वीडियो के द्वारा आएगा तो उसको मैं फ्री छोड़ूंगा मार्केट में। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, ब्लॉग जो है पूरा देखना, और अच्छा लगेगा आज पूरा वीडियो शूट करके दिखाऊंगा, अच्छा लगे तो कमेंट शेयर कर दिया करो। तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, गाड़ी हमने साफ कर लिया, ड्यूटी ऑन कर लिया है, अब हम यहाँ से निकलते हैं काम पर। मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 की, भाई साहब 10 मिनट हो गई, 5 मिनट का वेटिंग टाइम होता है मेरा, मतलब कस्टमर को ड्यूटी आते ही 5 मिनट का वेट करते हैं लोकेशन पे पहुंच के, फोन आया कि भैया मैं आ रही हूँ, कैंसिल मत करना ड्यूटी। तो मैंने चलो ठीक है, बैठ जाता हूँ। प्लस क्या है कि भाई यहाँ पर ना OTP न देना, दूसरी साइड में मैडम खड़ी हुई है, मैंने कहा भाई OTP दे दो, घूम के आ जाता हूँ, लेकिन नहीं देंगी। अब रोड क्रॉस करके आ रही है, वो आ रही मैडम सामने से, देखो समझे, वो आ रही है। तो कहने का मतलब यही है कि 2 पैसे फालतू हमारे को न देने पड़ जाए, इसीलिए अब आ रही है, अगर OTP नहीं देती तो आ जाती। अब देखो आ रही है सामने से। प्लस क्या होता है कि बंदे को ना 2 पैसे से का लालच होता है, अब तो आ गया बैग आ गया। अब ऐसा है ना, पता क्या कंपनी फिर कहती है कि कस्टमर की लोकेशन पर जाओ, फिर कहती है पे आ गया हूँ, इसीलिए मैंने इस करा, ताकि इतना भारी तो है नहीं। शाम को बज रहे हैं 5 या 6 बज रहे हैं शायद, तो इस समय मैं यहाँ पे खड़ा हूँ लाल किले के अपोजिट साइड में, जहाँ पे लगती है जूता चप्पल की मार्केट। तो मैं थोड़ा सा घुमा के दिखा देता हूँ आपको कैमरा के, भाई सैटरडे के दिन ही नहीं, संडे को तो लगता ही है बाज़ार, लेकिन और भी दिन आओगे ना तो ये मार्केट में हमेशा लगी हुई मिल जाएगी। कैमरा मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ कि आप लोग यहाँ से क्या क्या ले सकते हो, क्या क्या नहीं ले सकते। ये देखिए भाई, ये पटरी पे मिल जाएगा आपको काजू बादाम, और ये बैग घड़ी ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये काजू बादाम बेच रहे हैं सब यहाँ पे,
ये सारे के सारे काजू बादाम मिल जाएंगे तुम्हें खरीदने के लिए। और सामने हमारे मिलेंगे जूते, चलिए दिखाते हैं जूते आपको। ये देखिए टोटली जूते की मार्केट है सारी, यहाँ पे सैंडल मिलेंगे और यहाँ पे इधर जूते सारे के सारे। और सेल होती है यहाँ पे, सेल लगी हुई होती है, 400-400 का सेल लगा हुआ है भाई, 400-400 का सेल लगा हुआ है। कभी भी आओगे तो 400 रुपए की सेल में आप कोई सा भी जूता खरीद सकते हो। जूता भी अच्छा लग रहा है, ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और बहुत दोस्तों कहने का मतलब यही है मेरा कि भाई संडे को ना आके, संडे को तो आओगे ही लेकिन भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है संडे को, और संडे के अलावा भी यहाँ पे आते हो ना आप तो यहाँ पे जो है ना मार्केट लगी हुई मिल जाएगी पटरी पे, समझ रहे हो। देखो तो काजू बादाम ये सब मिल जाए, मतलब हल्का हल्का एक आध दो बिक रहे हैं, बाकी संडे को आओगे ना आप तो संडे को जो है ना पूरी ये जो पटरी खाली देख रहे हो ना आप, ये गाड़ी नहीं लगी हुई होंगी और सिर्फ यहाँ पे पटरी पे काजू बादाम ये सब देखेंगे। देखो आंटी बेच रही है, वो एक उधर बेच रही है, यहाँ पे इस समय तो एक आधी दो बिक रही है क्योंकि संडे को जो मेन है ना, संडे को बाजार लगता है यहाँ पे। लेकिन आप लोग आना चाहो तो आ सकते हो, लेकिन एक बार और है कि भाई यहाँ पे आओगे तो अपनी जेबों को ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है जेब मिनट से पहले कट जाती है, जेब जो है ध्यान रखना है चीज़ का, क्योंकि हम ऑटो चलाते हैं ना तो भाई देखते रहते हैं सदर बाजार बच्चे कि भाई रोते हैं जेब कटने के बाद में, तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि भाई अगर लाल किला आओ, सदर बाजार आओ, कहीं भी आओ और ख़ास करके संडे के दिन आओ तो भाई ये समझ लेना आप लोग ना अपनी जेब बचा के चलना, बाकी कुछ नहीं बचाना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है संडे को जो है ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। भीड़ का मतलब ये है, अभी मेरे पीछे जो लाइन चल रही है लाल किले की चल रही है, इस समय मैं दूसरी साइड में हूँ। दूसरी साइड का मतलब है लाल किला मेरे उधर है दूसरे वाले चौक पे, ये जो रोड है ना ये सीधा रोड जा रहा है कश्मीरी गेट, समझ रहे हो। मैं चांदनी चौक की साइड में हूँ इस समय, तो ऑटो जो है मैंने बंद कर रखा है, इसीलिए मैं यहाँ पे ढलान है, ढलान तो यहाँ पे जो है ना ढलान है, तो इसलिए गाड़ी हमारी चल रही है धीरे धीरे। बाकी ये गर्मी बहुत हो रही है भाई दिल्ली में, और काम भी नहीं हो रहा है कोई काम दाम, भाई क्या बताऊँ क्या काम करें समझ में नहीं आता, समझ रहे हो। और इस तरीके का तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा पोजीशन लाल किले का, इतनी भीड़ तो नॉर्मली मिल जाएगी तुमको। ये देखिए जैन मंदिर है, जैन मंदिर है ये देखो, पक्षी बीमार हो जाते हैं ना सारे, तो हम इसी में छोड़ देते हैं, यहाँ पर ना सही कर देते हैं फ्री में, समझ रहे हो। ये आ गया हमारा चांदनी चौक का गेट, समझ रहे हो, चांदनी चौक का गेट आ गया। ये देखो इतनी भीड़ भाड़ होती है यहाँ पे, इतनी भीड़ भाड़ होती है कि भाई साहब एक मिनट के लिए किसी को सबर नहीं है, कुछ भी हो जाए चाहे, समझे। ये देखो भाई लाल किला देखो आप लोग, लाल किले पे इस समय मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे चांदनी चौक है, ऐसे घूम जाऊँगा तो लाल किला आ जाएगा। यहीं पे हमारे सारे ऑटो मिल जाएंगे आपको खड़े हुए। ये भाई साहब देखो पसीना कितना आ रहा है, नहीं गर्मी ज़्यादा हो रही है, गर्मी इतनी हो रही है इस समय दिल्ली में, इतनी हो रही है कि पूछो मत, इसका जवाब ही नहीं है भाई साहब, इतनी बुरी गर्मी हो रही है इस समय। ये देखो पाजी आ रहे हैं पूरा पसीने में तर हो रहे हैं एकदम बढ़िया वाले, समझे। और कुछ ये देखिए भाई साहब सवारी के चक्कर में मैं ड्यूटी ऑफ करना भूल गया था, इसीलिए बार बार जो है ना वीडियो ड्यूटी आ जाती है, और इसीलिए मैंने ड्यूटी ऑफ कर दी है, फ्लाइट मोड में बोर्ड डाल दिया। अब जो है ना कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊंगा थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक का, पूरे का बनाऊंगा पूरे का। ये देखो पूरा ब्लॉग दिखाता हूँ आपको, घुमा के दिखाता हूँ। और ये सीधा रास्ता आ रहा है कश्मीरी गेट के लिए जा रहा रास्ता, लाल किला मेरे पीछे है, मेरा ऑटो ये खड़ा है, समझ रहे हो। ऑटो हम साइड में रखा लेते हैं, नहीं तो पुलिस वाले अंकल आ जाएंगे और नहीं तो मारेंगे। ₹150 कहाँ पे है मेट्रो मॉल, ₹150 तो कश्मीर गेट के ले लेते हैं, ₹150 तो लक्ष्मी नगर के ले लेते हैं,
निर्माण विहार के ले लेते हैं, ये देंगे नहीं भाई। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ले गया भाई, ले गया, ले गया भाई, ले गया, 150 भी ले गया भाई, 150 में ले गया अंकल, 150 में ले गया। ये देखो भाई, हमारे सारे ड्राइवर भाई ऐसे सवारी ढूंढते हुए मिलेंगे आपको। ये देखिए ये सवारी ढूंढते हुए, ऐसे हम लोग ढूंढते हैं सवारी, ढूंढ ना मिलती नहीं है, समझ रहे हो। ये देखो सारे ड्राइवर हमारे ये ढूंढते हैं सवारी ऐसे। ऑटो का किराया बहुत महंगा दिखता लोग। ये देखिए भाई अंदर कुछ सूट चल रहा है, देखते हैं क्या चल रहा है अंदर, कौन आया है कौन नहीं आया, देखते हैं। चलिए भाई हम भी शूट कर लेते हैं अपने फोन में, देखते हैं कौन है भाई, कौन है, कौन से न्यूज वाले हैं। मैं दिल्ली की बार बताता हूँ, आम आदमी पार्टी के बीजेपी के में वो आपस में ही लड़ रहे भिड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारा काम नहीं है लड़ने भिड़ने का, पर देख लेते हैं भाई चांदनी चौक में इस तरीके का वाक्य मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बड़े रिपोर्टर हैं, हम छोटे रिपोर्टर हैं बाकी बहस हो रही है आपस में, कोई दिक्कत नहीं। वो आपके कावड़िया ही थे, सुन लो मेरी बात, वो आपके कावड़िया थे जो कावड़ के रूम में आए थे, आपके कावड़ के रूम में आए थे, तो तुम्हारा कोई नहीं होता भाई। भाई इधर दिखाओ मैडम, जो सुनो मेरी बात, जो मुसलमान है ना वो इस तरह का हरकत करेगा नहीं, वो शांति चाहता है। अभी देखे जो फेंके उनको आप सजा दो, जरूरी नहीं एक मुसलमान गलत हो सारे मुसलमान गलत है। ये जो आप मणिपुर वाला कांड उठाइए, मणिपुर वाला का सवाल किया, मणिपुर वाला नहीं मुद्दा उठाए, सारे मुद्दा उठाए, कहाँ दिखाए आप लोग बताइए, हमारे चैनल पे चलिए आप जाके चेक कर लीजिएगा भाई। आदरस में आप जो बेटों को जला दिया गया, आप एक बेटी अब गोदी मीडिया होगा, एक मिनट पहले मेरी सुन, अब गोदी मीडिया ये सच्चाई नहीं दिखाएंगे। सच्चाई कोई दिखाई नहीं चाहता, मीडिया वाले जो है, मीडिया वाला जो कोई सच्चाई बताना नहीं चाहता, और हम ड्राइवर भाई की कोई सुनता ही नहीं है, ड्राइवर भाई इतने परेशान है, काम धाम है नहीं, केजरीवाल को सुनता नहीं हमारी, क्यों भाई रोक ले भाई रोक ले, चलो चलो निकलो निकलो, ठीक है भाई। अंदर जो है काफी बहस हो रही है, इस बात पर बहस हो रही है कि लड़ाई किसकी वजह से होती है, कौन है क्या है, और मेरा ऑटो यहाँ पकड़ा है रोड पे, भाई साहब मैं तो बड़ा परेशान हो जाऊंगा। चलो भाई दबा देता हूँ अंदर, नहीं तो मारे जाएंगे हम, गरीब गरीब का मतलब है बहुत ज़्यादा गरीब। सारे ऑटो वाले साइड में लगा रखी है, मैं भी लगा ही लेता हूँ और देखता हूँ कि सवारी मिलेगी या नहीं मिलेगी। भाई साहब छोटी मोटी सवारी दे दो यार, मैं भी कोई दे देना, जमुना पार की हो तो यार ऐसा मत करना है, हाँ दे देना यार, एक गरीब का भला हो जाएगा एक का यार, तो दे देना कोई बात नहीं। देख रहा हूँ बहुत देर से मिली नहीं रही, और घर का टाइम भी हो गया है, बाकी ये है कि भाई कोई फायदा नहीं है, बहसबाजी हो रही है अंदर दबा के। कहाँ है बुलाओ मेरे सामने बुलाओ से। ये बात हकीकत है भाई, जितने भी ऑटो के ड्राइवर खड़े हुए हैं यहाँ पे सभी केजरीवाल की बुराई कर रहे हैं सारे के सारे, और मैं भी करता हूँ, खुला चैलेंज देता हूँ भाई केजरीवाल को, मैं भी सपोर्ट नहीं करता, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, क्यों कोई दिक्कत है, पंजाब में जाओ पाकिस्तान में जाओ, क्यों। चलो भाई सवारी आ रही नहीं, भीड़ भाड़ इतनी हो रही है, और आपस में लड़वा देंगे ये लोग, क्यों भाई पैसे, कोई सवारी पकड़ो निकलो भाई यहाँ से, तेरी बहन चुन मारे जाएंगे हम तो। हाँ भाई अरे एक सवारी दे दो कोई यार, फटाफट लेके निकल जाऊंगा यार, गरीबों को भला हो जाएगा थोड़ा। हाँ नहीं मिली भाई, नहीं मिल रही, डेढ़ डंडा लेके आ गया वो पुलिस वाला, ये देख एक मिनट।